अमृतसर के एमपी गुरजीत सिंह औजला का आया बड़ा बयान। दुर्गियाना मंदिर पर बोले, कहा कि मंदिर को नहीं मिल सकती सहायता। 20 अप्रैल को राहत देने पर बोले कि कल पता चलेगा कि राहत दी जा सकती है या नहीं। बॉर्डर पर पाकिस्तान भेजे 40 पाकिस्तानी लोगों पर बोले कि बिना पीपीआई किट के उनका टेस्ट करना सबसे बड़ी चूक। इसके साथ ही उन्होंने बताया, अमृतसर के 2 कोरोना पेशेंट ठीक होकर पहुंचे अपने घर। याना तीर्थ की तरफ से जो लंगर लगाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जिसमें तकरीबन रोजाना 6000 लोगों को लंगर बांटा जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं दुर्गियाना तीर्थ कमेटी का और समूह वो लोग जिन्होंने लंगर में हिस्सा डाला है, कि इतनी बड़ी जो कोरोना वायरस की लड़ाई है उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। और दुर्गियाना कमेटी के सभी मेंबर साहबान का, कमेटी का पूर्ण रूप से धन्यवाद करता हूं। सर, क्या पंजाब सरकार की तरफ से दुर्गियाना तीर्थ मंदिर को कोई सहायता दी जा रही है? नहीं, तो क्यों नहीं? नहीं, देखिए, किसी भी धार्मिक स्थान को सरकार की तरफ से सहायता नहीं दी जा रही। सरकार की कुछ गाइडलाइन होती है, उसी के हिसाब से राशन डिपो पे ही राशन जा रहा है, जहाँ जिसको राशन नहीं मिल रहा, जिसका नीला कार्ड नहीं बना उसको राशन जा रहा है। सो इसलिए किसी भी धार्मिक स्थल पे डायरेक्ट सप्लाई नहीं हो रही, लेकिन एनजीओज हैं, जरूरत पड़ेगी हम भी उनकी मदद करेंगे, सब लोग करेंगे मिलकर। सर, आप सांसद भी हैं और सांसद होने के नाते अब तक कितने लोगों को आपने राशन जो है वो बांटा है? करीब आप कह सकते हैं कि 7-8 हज़ार का किट्स का होगा प्रबंध, 8,000 किट का टोटल। सो जैसे कि मोदी जी के द्वारा जो देशहित के लिए कदम जो उठाए जा रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी द्वारा जो भी कदम उठाएंगे हमारी पार्टी उनके साथ है, लेकिन जो दिक्कत की बात है कि मोदी जी को पास जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड उन्होंने क्रिएट किया है नया अकाउंट, वो क्वेश्चन मार्क आता है कि वो तो ना तो वो किसी आरटीआई में आएगा, ना वो पार्लियामेंट के नज़दीक किसी के उसका स्क्रूटनी हो सकती है, क्योंकि वो तो एक मोदी साहब हैं, अमित शाह जी हैं और उनके और मेम्बर हैं, 3 मेम्बर के नाम पर, जबकि पहले से प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड चलता था तो एनडीआरएफ चलता था, लेकिन ये उसमें ही पैसे जमा होने चाहिए थे, ये परंपरा थी पुरानी, लेकिन इन्होंने परंपरा को तोड़ा है। बहुत पैसा है लेकिन अभी तक उसमें से कोई पैसा स्टेट को नहीं मिला, इसलिए हम डिमांड करेंगे कि यदि उसमें कोई पैसे आए हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे लोगों के आए हुए हैं, उसमें 1000 करोड़ रुपये आया है, उसमें से पंजाब को बनता हिस्सा दिया जाए। सर, सबसे बड़ी बात है कि जो 41 पाकिस्तानी जो भारत में आए थे उसके लिए जो उनको वापस पाकिस्तान भेजा गया, तो पाकिस्तान की तरफ से उनको पीपी किट्स पहनकर उनको रिसीव किया गया, बल्कि यहाँ से जो आईसीपी के जो मुलाजम थे उन्होंने कुछ भी नहीं पहना था। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान से जो वहाँ के प्रशासन ने जो बताया कि वहाँ पे 2 पेशेंट जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी चूक है सर, ये बड़ी बहुत बड़ी चूक है, इसको मैं मानूंगा। और ये सिविल सर्जन के अंडर आता है, उनको ये 2 दिन पहले बात हुई है, 1 दिन पहले, और 1 दिन पहले उनको 400 किट भी मुहैया कराई है सरबत कपला की तरफ से, और उनको यही बोला गया था कोई भी आदमी जो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है बगैर किट नहीं जाएगा। तो ये तो इनकी बहुत बड़ी चूक है, इनकी गलती है ये हमारे प्रशासन की, कि उनको किट नहीं पहनाएगी, चाहे गाइडलाइन कुछ भी कहती हो, लेकिन आज लड़ाई कोरोना वायरस के साथ है, जो भी उसके साथ लड़ाई लड़ रहा है, चाहे छोटा मुलाजिम हो चाहे बड़ा मुलाजिम हो, किसी भी हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे डॉक्टर लाइन का हो, कोई भी हो, हमें सब ने मिल के लड़ाई लड़नी है, सबकी सुरक्षित मुहैया कराना बहुत जरूरी है। अब भी देखो ना, अब इन्होंने 2 डॉक्टर को क्वारंटाइन कर दिया, 2 उनके साथ फार्मासिस्ट थे उनको क्वारंटाइन कर दिया, अब क्या फ़ायदा हुआ? इसी बात से हम बचाना चाहते हैं, ये असुरक्षित की भावना पैदा करता है जो लोग आगे काम करते हैं, ये कुछ लोग हैं इस सिस्टम में जो काम सही तरीके से नहीं करते हैं, उनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही है। पर सर, फार्मेसी ऑफिसर्स की तरफ से डीसी ऑफिस में जो प्रशासन के खिलाफ उनकी तरफ से धरना भी लगाया गया कि हमको ना तो पीपी किट्स मुहैया करवाई जा रही है और ना ही हमारे पास N95 मास्क। यही बात है ना, ये N95 मास्क को मैं दिला के आया था 2 दिन पहले, इनको बोला कि इनको 2 पहले, तो ये देखिए, ये जो आदमी हेड करता है ना डिपार्टमेंट को, ये उसकी जिम्मेदारी होती है, उसने कैसे अपनी टीम को बचा के आगे लेके जाना है। लेकिन मैं भी वहाँ देखा कि इनके आपस में इनका तालुकात ही ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपसी जो होता है कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, वो इनके इनमें कमी है, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आज देखिए, धरना देने के बाद भी पीपी किट दे दी है ना, तो पहले दी होती, जबकि ये सरकार की तरफ से जो आ रहा है उस पर गाइडलाइन आप वही रखो, लेकिन जो हम प्राइवेट लोग दे रहे हैं वो तो आप गाइडलाइन के आगे जाके दे सकते हो ना। अब 400 किट सरबत का पला नहीं दी, वो किस लिए आपको दी है? इन्हीं के लिए दी है कि जो आपको आप सरकारी गाइडलाइन के बाहर आप कुछ करना चाहते हो तो वो दो, जैसे मैंने दी है, मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मैंने जो किट पैसे इनको दिए हैं, मैं तो बिल्कुल जो जिसको भी चाहिए होगा मैं अपने से दिलाऊंगा, कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पे डाल दीजिए।
ये बहुत बुरी बात लगा कि पाकिस्तान जैसा कंट्री कुछ भी नहीं है और वो पीपी किट डाल के उनके लोग रिसीव कर रहे हैं, हमारे लोग बगैर किट के जा रहे हैं, ये दुख की बात है। सर अभी कोरोना वायरस का जो स्टेटस है वो कैसा है, कोरोना वायरस के कितने कोई पेशेंट वगैरह को ठीक हुए? हाँ, पेशेंट अभी 2 ठीक होके गए हैं, ये हमारे डॉक्टर साहबान का, हमारे टीम का, पूरी का जो कोरोना वायरस के साथ लड़ रही है, ये उनकी जीत है कोरोना वायरस के ऊपर। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इसी तरह वो काम करते रहेंगे तो हम कोरोना वायरस को हरा पाएंगे। और इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर्स की टीम का, गुरु नानक देव हॉस्पिटल की, जिन्होंने ये अच्छे काम में भूमिका निभाई है, चाहे वो फोर्थ क्लास हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे जूनियर डॉक्टर हो, सीनियर डॉक्टर हो, उनके हेड्स हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सर इस दुख की घड़ी में लोगों को मीडिया के माध्यम से क्या संदेश जो है वो देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हमने हाथ पकड़ के लड़नी है एक दूसरे का, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हाथ जो पकड़ रहे हैं वो किसी का, गरीब का है, अमीर का है, जूनियर का है, सीनियर का है। बीइंग ए इंडियन, हमें एक सिटीजन की तरह लड़ाई लड़नी होगी और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि टेस्टिंग मैक्सिमम होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। सर कल 20 तारीख है, बड़ी पब्लिक को अफसरा की वेट कर रही है अभी नवा सवाल है PR बनने के लिए कुछ। हाँ, वो गाइडलाइन नहीं आई है केंद्र सरकार की तरफ से और स्टेट की तरफ से भी, अब देखिए वो कैसे हो पाता है, अब कल खुलने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कर्फ्यू भी लगाना है, इनको छूट भी देनी है, पास भी इशू करने हैं, उसमें दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक कर लेंगे, कुछ भी मुश्किल आएगी। 20 तारीख कही गई थी, क्या उसमें रिलीफ दी जा सकती है सर? हाँ देखो, वो अब कल पता चलेगा, अभी अभी तो सरकार का तो आए हुए गाइडलाइन, जैसे समाज के इंडस्ट्री उसको खोलने के लिए लाइसेंस वगैरह इशू कर रहे हैं, पास इशू कर रहे हैं जाने आने के, तो ऐसे जो जो किताबें वाली दुकानें हैं, कुछ कूलर्स वाले हैं, जैसी गर्मी आ रही है इसके रिलेटेड जो इक्विपमेंट लोगों को चाहिए तो उसकी दुकानें खुलेंगी, लेकिन कल का आप कह सकते हो कि शुरुआत है, कोई दिक्कत आएगी तो उसमें चेंज किया जा सकता है। कैमरामैन सोनू सोडी के साथ विशाल शर्मा, लाइव अमृतसर। लाइव अमृतसर को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है।